दरगाह दिख रहा है बाबू, ये जो आप देख रहे हो दरगाह। दरगाह और रात हो गई ट्रैवल करते करते, तो सोचा कि रात में ही दर्शन कर लेते हैं क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया था। सोचा कि कर लेते हैं थोड़ा दर्शन, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है, दिखाते आपको पीछे कैमरे के माध्यम से। हाँ बड़े भैया, बहुत भीड़ है देख रहे हो। यहाँ पे आने के लिए यही रास्ता है, यहाँ से लगभग 300 मीटर दूरी पर दरगाह। दरगाह जाने के लिए हम पैदल निकल गए और ये भीड़ भाड़ा बहुत है भाई। और नवमी का टाइम चल रहा है ना, मुहर्रम का, और भीड़ है अधिक मात्रा में। हमारी किस्मत में अभी लोग आपसे जो दक्षिण चलेंगे तो पूछते रहेंगे आपको, जहाँ पे एयरपोर्ट लगे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे शॉप बहुत है यार, और शायद मैं पहुँच चुका हूँ दरगाह। तो देखो तो भाई इसका बस कुछ ही पल में हम दर्शन करने वाले हैं। खुद आते रही थी आपको मैंने हमारी किस्मत में आज ही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दर्शन कर लिया। हम तो चले गए थे अजमेर से ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, तो शायद मेरा किस्मत में आज था इसलिए मैं रुक गया और देखने आ गया। और आप लोग को भी दिखाऊंगा, तो बने रहो देखते रहो। और वो दरगाह का नज़ारा दिख रहा है, शुरू हो चुका है भाई, बने रहो। कहाँ गए हमारे सब लोग, आप देख रहे हो गोल्डन कलर की है, तो बहुत भाग्य से लोग दिखता है और मैं भाग्य सहली हूँ यार, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा था। लो करो, यस सर, पहुँच चुका हूँ धीरे धीरे करके, और आप लोग को भी दिखाने वाला हूँ, बस बने रहो देखते रहो। हमारी किस्मत कि मैं रुका और रुकने के मेन कारण हो गया ट्रेन नहीं था यार, ट्रेन तो तुम्हें चला गया था जयपुर। तो दरगाह का दर्शन मैंने कर लिया, आपको भी करवाता हूँ। आपके सामने पूरा यहाँ पे शिवाजी की खुशी अंदर से हो रही है। तो आप लोग भी दर्शन करो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जो भी लोग हज करने के लिए यहाँ जाते हैं पहले यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, उसके बाद हज के लिए निकलते हैं। तो ये सारे दरगाहों में से एक पवित्र दरगाह है जो अजमेर में है। ليصبح همة تروي عن العليا مغاني عن العليا مغانيها لينسو جليل علا قصصا لا متروها لينسو
الناس جلي العلا قصصا هنا قد عظمت فللأمجاد بانيها. रोशन यहाँ पे पूरा पैदल चल रहा है तब से।